हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी के बारे में। सो इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। इसमें लिखते हैं कि एज इंपॉर्टेंस ऑफ एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, दस फॉर द सेफ एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ मेडिसिन मेक इट नेसेसरी फॉर द हॉस्पिटल्स टू मेक एन ऑर्गेनाइज सिस्टम टू मैक्सिमाइज द रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन। सो इसमें लिखते हैं कि एलोपैथिक सिस्टम जो है मेडिसिन का, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी अहमियत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए मेडिसिन की सेफ और इफेक्टिव इस्तेमाल के लिए ये ज़रूरी है कि हॉस्पिटल्स में एक ऐसा ऑर्गेनाइज सिस्टम हो जो मेडिसिन की रेशनल यूज़ को मैक्सिमाइज करे, मतलब इंक्रीज़ करे। अब रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन क्या है? तो रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन का मतलब ये है कि राइट पर्सन को राइट मेडिसिन राइट टाइम पे राइट डोज में और राइट फ्रिक्वेंसी में दिया जाए, तो इसको हम कहते हैं रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन। सो रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन को मैक्सिमाइज करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए हॉस्पिटल्स में एक ऐसा ऑर्गेनाइज सिस्टम का होना ज़रूरी है। सो ऐसे ऑर्गेनाइज सिस्टम को हम कहते हैं फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी। द कमेटी कंसिस्ट ऑफ थ्री फिजिशियंस। इस कमेटी में थ्री फिजिशियंस होते हैं, चेयरमैन एक जो होता है वो चेयरमैन होता है, और दो जो होते हैं वो को चेयरपर्सन होते हैं। इसके अलावा इस कमेटी में एक फार्मासिस्ट होता है जो कि चीफ फार्मासिस्ट होता है। उसके ज़िम्मे कौन कौन से काम होते हैं? तो वो सेक्रेटरी होता है एजेंट का। इसके अलावा उसके ज़िम्मे में है रिकॉर्ड कीपिंग, दूसरा वो मीटिंग अरेंज करते हैं, और फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी के जो मीटिंग्स होते हैं वो तकरीबन 6 दफ़ा होते हैं एक साल में। इनको अरेंज करना फार्मासिस्ट की ज़िम्मेदारी होती है। इसके अलावा फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी जो रूल बनाती है, जो डिसीशन बनाती है, उसको इम्प्लीमेंट करना भी फार्मासिस्ट की ज़िम्मेदारी होती है। इसके अलावा इस टीम में एक नर्स सुपरवाइज़र भी होती है और एक एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा भी होता है। तो इस कमेटी के तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक है एज एडवाइजरी, द कमेटी मेक पॉलिसीज रिगार्डिंग सेलेक्शन ऑफ थेरेप्यूटिक ड्रग्स यूज़ इन द हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल में जितने भी ड्रग्स यूज़ होते हैं, जितने भी थेरेप्यूटिक ड्रग्स यूज़ होते हैं, उन ड्रग्स को सेलेक्शन करना और उन ड्रग्स की सेलेक्शन के लिए जो पॉलिसीज बनाते हैं वो ये कमेटी बनाती है। द कमेटी एडवाइज मेडिकल स्टाफ अबाउट ड्रग रेशनल यूज़। अब ये कमेटी जो है ये मेडिकल स्टाफ्स को भी एडवाइज़ करती है कि किस तरह आपने ड्रग की रेशनल यूज़ करनी है, किस तरह आपने प्रॉपर ड्रग को प्रिस्क्राइब करना है, एडमिनिस्टर करना है। इट आल्सो एडवाइज फार्मासिस्ट टू हाउ एंड वेयर ड्रग शुड बी डिस्ट्रीब्यूट एंड स्टॉक। इसके अलावा ये फार्मासिस्ट को भी एडवाइस करती है कि किस तरह, कैसे और कहाँ पर आपने ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करना है और ड्रग को स्टॉक करना है, यानी जमा करना है। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है वो है एजुकेशनल। द कम्युनिटी गिव्स नॉलेज टू एवरी हेल्थ वर्कर्स अबाउट ड्रग यूजेस एंड एजुकेट देम अबाउट इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन, डोज, डोजेज फॉर्म, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा कमेटी जो है वो एजुकेट करती है, वो नॉलेज प्रोवाइड करती है हेल्थ वर्कर्स को ड्रग की यूज़ के बारे में। इसके अलावा ये एजुकेट करती है हेल्थ वर्कर को ड्रग की इंडिकेशन के बारे में, मतलब ड्रग की यूज़ के बारे में, ड्रग के कंट्रा इंडिकेशन के बारे में, ड्रग के डोज के बारे में, ड्रग की डोजेज फॉर्म के बारे में। इसके अलावा ड्रग से रिलेटेड जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होते हैं उसके बारे में, और इसके अलावा ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी ये कमेटी लोगों को एजुकेट करती है, मतलब हेल्थ वर्कर्स को एजुकेट करती है। इसके अलावा तड़वन जो है ड्रग सेफ्टी एंड एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग, ये भी इस कमेटी की जिम्मेदारी होती है, ड्रग की सेफ्टी एश्योर करना और इसके अलावा ड्रग से रिलेटेड जो एडवर्स रिएक्शन होते हैं उसको मॉनिटर करना भी ये इस कमेटी की जिम्मेदारी होती है। अब रोल ऑफ पीटीसी। सो पीटीसी एक्ट एज बैकबोन फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी एंड सर्विसेज। हॉस्पिटल में जितने भी फार्मेसी सर्विसेज होते हैं उनमें पीटीसी का एक बैकबोन जैसा रोल है। दियर रोल इंक्लूड्स डेवलपिंग हॉस्पिटल फार्मूलरी एंड इमरजेंसी ड्रग लिस्ट। फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी के रोल में ये भी है कि ये हॉस्पिटल के लिए फार्मूलरी बनाती है। फार्मूलरी जो है एक लिस्ट होता है मेडिसिन का जो हॉस्पिटल में यूज़ होती है, उसको हॉस्पिटल फार्मूलरी कहते हैं। इसके अलावा इमरजेंसी ड्रग लिस्ट भी ये बनाती है। इसके अलावा ड्रग सेफ्टी एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग ये भी फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी के रोल में आता है। ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू ये भी पीटीसी कमेटी का एक रोल है। ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू क्या है? सो ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू एक अनगोइंग और ऑर्गेनाइज रिव्यू होता है ड्रग का, ड्यूरिंग प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन के दौरान भी ड्रग को रिव्यू किया जाता है। इसके अलावा डिस्पेंसिंग के दौरान भी ड्रग को रिव्यू किया जाता है, और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन के बाद भी ड्रग को रिव्यू किया जाता है। सो ड्रग की एक प्रॉपर रिव्यू प्रोसेस होती है, उसको हम ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू कहते हैं। इसके अलावा पीटीसी का जो रोल है वो ड्रग रिसर्च में भी है। इसके अलावा कंट्रोल सब्सटेंसेस की मैनेजमेंट में भी पीटीसी का रोल है। कंट्रोल सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी जिनसे एडिक्शन और एब्यूज़ का चांसेस हो। चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। ASHP अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट, दे बिलीव दैट प्रमोशन ऑफ रेशनल क्लिनिकली अप्रोप्रिएट एविडेंस बेस्ड सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव यूज़ ऑफ मेडिकेशंस एंड मेडिकेशन यूज़ पॉलिसीज शुड बी डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइज हेल्थ केयर सिस्टम। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट का मानना है कि मेडिसिन मेडिकेशन का जो रेशनल यूज़ है, इसके अलावा मेडिकेशन का जो क्लिनिकली सही इस्तेमाल है, मतलब क्लिनिकली अप्रोप्रिएट यूज़ है,
इसके अलावा एविडेंस बेस्ड यूज़ है, और इसके अलावा कास्ट एंड सेप इफेक्टिव यूज़ है, जो मेडिकेशन का उसको प्रमोशन करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए पॉलिसीज़ डेवलप करना चाहिए और पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए हेल्थ केयर सिस्टम में। द पी एन टी कमिटी शुड डेवलप एंड इम्प्लीमेंट फॉर्मूलरी सिस्टम इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज द पेशेंट थेरापी। इसके अलावा कमेटी को फार्मूलरी भी डेवलप करना चाहिए और फार्मूलरी को भी इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए ताकि मरीज़ का इलाज सही तरीके से हो।